नमस्कार मित्रों, मैं अभिजीत केलकर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल बेस्ड स्प्रे परफ्यूम कैसे बनाते हैं, उसका एक लाइव डेमो हमने किया था। अभी अल्कोहल फ्री फ्रेग्रेंस, इनका भी चलन काफी बढ़ गया है, तो उसमें काफी इस तरीके के सॉल्वेंट्स हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं और अल्कोहल को उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अल्कोहल का वैसे ट्रू रिप्लेसमेंट तो अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि जितना डिफ्यूजन हम लोगों को जितनी उड़नशीलता हमको अल्कोहल से मिलती है, उतनी और किसी सॉल्वेंट में अभी तक तो नहीं मिली है। लेकिन कुछ रिलीजियस कारणों की वजह से कह लीजिए, या फिर कुछ किसी को कोई एलर्जी हो सकती है उनकी वजह से कह लीजिए, काफी लोग अल्कोहल को अवॉइड करना चाहते हैं। तो आज हम लोग उसी कड़ी में बात कर लेते हैं, वाटर सॉल्युबल फ्रेग्रेंस हम कैसे बना सकते हैं। सिलिकॉन्स या बाकी के जो ग्लाइकॉल वगैरह ऐसे जो सॉल्वेंट्स हैं और भी जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है अदर देन अल्कोहल, उसके बारे में कई बातें बात करेंगे। तो आज एक डेमो करते हैं कि वाटर बेस्ड फ्रेग्रेंस कैसे बना सकते हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी फ्रेग्रेंसेस हैं बाय डिफॉल्ट ये सारी ऑयल सॉल्युबल होती है। तो अगर ये ऑयल सॉल्युबल है तो ये डीएम वाटर मैंने इसमें निकाल के रखा है, तो जब ये ऑयल सॉल्युबल है तो ये पानी के साथ तो मिक्स नहीं होगी, तो कैसे फिर इनका काम होगा। तो इसको इसमें मिक्स करने के लिए हम लोगों को इमल्सिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इमल्सिफायर वो होते हैं जो कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक हाथ से पकड़ते हैं फ्रेग्रेंस को, दूसरे हाथ से पकड़ते हैं पानी को, और दोनों को मिला के रखते हैं, दोनों को अलग नहीं होने देते। तो आपको ये ऑयल वाटर में मिलाने के लिए इमल्सिफायर की जरूरत होती है। ये एक बड़ा ग्रुप है केमिकल, और जिसमें काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आपके पॉलीसॉर्बेट्स हैं, 20 हो गया, 60, 80, या फिर अल्फॉक्स वगैरह चलता है। लेकिन मुझे HCO ज्यादा पसंद है, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, तो मैं उसका उपयोग करके बनाऊंगा। इसका एडवांटेज एक ये मिलता है कि काफी सारे इमल्सिफायर्स जो है वो आपको कभी मिल्की सॉल्यूशन देते हैं। HCO यूजली आपको क्लियर सॉल्यूशन देता है। ये भी एक चीज समझना है कि हर एक फ्रेग्रेंस, हर एक इमल्सिफायर के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल से DPG भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। DPG भी फ्रेग्रेंस सॉल्युबलाइजर का काम करता है काफी सारे फ्रेग्रेंसेस को लेकर के, लेकिन उसका यूज थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में या फिर सारे ही फ्रेग्रेंस के साथ में वो पानी के साथ मिलके कॉम्पेटेबल नहीं रह पाता। तो DPG थोड़ा कम इस्तेमाल में आता है इस वाटर बेस्ड फ्रेग्रेंस बनाने के लिए। तो ये चीज समझिए कि जैसे हो सकता है ये व्हाइट टूथ का आज हम लोग ट्रायल करेंगे, तो फ्रेग्रेंस का जो प्रपोर्शन है और आपके सॉल्वेंट का जो प्रपोर्शन है वो हर एक फ्रेग्रेंस का, हर एक सॉल्वेंट के साथ में अलग अलग रहेगा। आपको इसकी खुद R&D करनी होगी, आपको ये देखना होगा कि कौन सा फ्रेग्रेंस आपके कौन से इमल्सिफायर के साथ कितने प्रतिशत पे काम कर रहा है। जैसे व्हाइट टूथ जो है तो ये 1:2 के रेशियो में, 1:2 का मतलब हुआ कि एक भाग आपका फ्रेग्रेंस और दो भाग आपका HCO, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, ये जब आप मिक्स करेंगे तो जाकर के ये आपको एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट और अच्छा फ्रेग्रेंस देगा, अच्छा एक सॉल्यूशन देगा। तो एक ट्रायल ले लेते हैं इसका। तो ये हमने वही जैसे पिछली बार लिया था, 30 ml की बॉटल है और 4.5 ml हम लोग इसमें फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करेंगे। ये आपका फ्रेग्रेंस ले रहा हूं मैं, बहुत बार ये होता है कि चूंकि अल्कोहल तो कैसा है, बहुत पतला है, और यहां पर हम लोग जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेग्रेंस हो और खास करके इमल्सिफायर, तो उनकी जो
कैसे उसको कहना चाहिए, उनकी कंसिस्टेंसी काफी हैवी होती है, तो वो हैवीनेस जो है वो काफी बार आपको रिस्ट्रिक्शन दे देती है कि उसका जो टोटल परसेंटेज है आपके फिनिश प्रोडक्ट में, वो जैसे आपने 10 ग्राम ये ले लिया फॉर एग्जाम्पल, 10% आपने ये ले लिया, और हो सकता है कि उस फ्रेग्रेंस के लिए आपको 20 ml मतलब 1:2 पार्ट में आपको HCO इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आप उसमें पानी डालेंगे, तो होगा ये कि आपका जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा, हो सकता है कि वो इतना गाढ़ा हो जाए कि जो स्प्रे पंप है आपका उससे ठीक तरीके से वो स्प्रे ना हो पाए, तो ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है इसमें। तो मैं आपसे कहूंगा कि 10 से 15% के बीच में अगर आप फ्रेग्रेंस अपना रखते हैं वाटर बेस पे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने 25% ले लिया अगर, तो 1:2 है, तो फिर आप 50% आप इमल्सिफायर लेंगे, तो बहुत ही आपका हैवी गाढ़ा सॉल्यूशन हो जाएगा जो स्प्रे के काबिल नहीं रह जाएगा, फिर आपको उसे अतर की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम हमने ये लिया था, और इसको हम लोग 1:1.5 के हिसाब से में भी एक 6 ग्राम ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसका कोई निश्चित रेशियो नहीं है, हर एक फ्रेग्रेंस का हर एक इमल्सीफायर के साथ में आपको अलग से ट्रायल करना होगा। और इसमें ये चीज ध्यान रखिए कि काफी लोग क्या करते हैं कि वाटर ले लिया बॉटल में और उसमें फ्रेग्रेंस और ये दोनों चीजें सब उठा करके एक साथ में डाल दी। सर आप खिचड़ी नहीं बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पहले आप फ्रेग्रेंस लेंगे, उसे इमल्सीफायर के साथ में डालेंगे और उसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में उसका, अभी मैं इस पे नहीं चला के बता रहा हूँ आपको, या फिर चलिए देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ गया, हाँ तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप फ्रेग्रेंस और इमल्सीफायर मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा हैजी शायद दिखे पहले आपको, तो पहले आपको उसे इतनी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कि वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो, प्रॉपर आपस में पूरा घुल मिल जाए। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आपका ये सॉल्यूशन तैयार नहीं है। तो ये आपका अभी मिक्सिंग हो गई, मैंने इसको बंद कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, कहीं भी आपको इसमें हेजीनेस नहीं दिखेगी या अलग अलग सेपरेशन इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस ये हो जाने के बाद में आपको जितनी मात्रा आपने तैयार की है आपको आपकी फ्रेग्रेंस बॉटल में ले लेना है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि कितने इसमें ये वर्कआउट होगा नहीं होगा, तो जैसे हमने अभी 1.5 लिया है, तो आप थोड़ा सा एक कोई परख नली लेकर के और उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके आप ये देख सकते हैं कि ये आपका क्लियर ट्रांसपेरेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। या हो सकता है काफी लोगों को मिल्की भी पसंद है, तो जरूरी नहीं कि आपको ट्रांसपेरेंट ही रखना हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि ना हमें तो ट्रांसपेरेंट नहीं, हमें तो मिल्की ही चाहिए, तो जिसका जैसे फिर जिसकी पसंद हो। मुझे लगता है दिस इज वर्किंग आउट प्रिटी ओके, नॉट अ 100% ट्रांसपेरेंट वन, बट काफी क्लियर सॉल्यूशन है, एटलीस्ट मिल्की तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो बबल्स हैं ये इमल्सीफायर की वजह से हैं, ये थोड़ी देर जब आप रखेंगे तो चला जाएगा। और ये होने के बाद आपने देख लिया कि ये हो रहा है मिक्स। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे और क्लैरिटी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो आप इमल्सीफायर का उपयोग थोड़ा सा, उसका प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो ये और क्लैरिटी आपको दे देगा। ये हो जाने के बाद आपने देखा आपकी बॉटल रेडी है, सॉल्यूशन रेडी है, आपने इसमें डीएम वाटर। अब यहां पे डीएम वाटर क्यों जरूरी है, तो जब हम लोग सॉल्वेंट की वीडियो जो अपलोड की थी हमने, उसमें इस बारे में बात हुई थी कि होता क्या है। ये देखिए अभी इसमें क्या हुआ है। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो ट्रांसपेरेंसी है लेकिन इसमें नहीं है, दोनों तो एक ही है, तो इसमें ये जो मिक्सचर था आपका फ्रेग्रेंस का और इमल्सीफायर का, उसका प्रतिशत कम था और इसमें वो प्रतिशत ज्यादा है।
इसकी वजह से ये मिल्की हो गया है और ये ट्रांसपेरेंट है। अगर इसको भी ऐसे ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो मुझे बेसिक सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया था उसमें इमल्सिफायर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो दूधिया है ये इससे आपके कपड़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, काफी लोग इसे ऐसे भी पसंद करते हैं। और या तो फिर आप इसमें और इसकी मात्रा, अभी जैसे मैंने 1.5 लिया था तो आप इसको 1:2, 1:2, 2.5 तक भी लेके जा सकते हैं, मतलब एक पार्ट फ्रेग्रेंस एंड 1.5, 2 या 2.5 पार्ट ऑफ योर इमल्सिफायर, ऐसे करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैं डीएम वाटर की बात कर रहा था, तो डीएम वाटर ही क्यों, तो मैं जैसे बता रहा था कि सॉल्वेंट वाले हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जल ही जीवन है, तो ये हर एक को जीवन देता है, फिर वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, फंगाई हो, तो वो तो हमें अपने परफ्यूम में नहीं चाहिए है। तो इसके लिए इसमें हम लोगों ने प्रिजर्वेटिव का भी उपयोग किया हुआ है, 0.5% फिनॉक्सीथेनॉल जो हमने ऑलरेडी डीएम वाटर में अपना डाल के रखा हुआ था, तो वो हमें फंगस बैक्टीरिया ये होने से बचाएगा। जब आप अल्कोहलिक स्प्रे तैयार करते हैं तो अल्कोहल तो खुद ही एक डिसइंफेक्टेंट है, तो वो तो खुद ही आपको इससे बचाता है, लेकिन उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और फोटो रिएक्शन से जो होने वाले चेंजेस हैं उनको बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना जरूरी है। और यहाँ पे पानी से जो आपके बैक्टीरियाज या फंगस या मोल्ड हो सकता है उससे बचाने के लिए आपको वाटर बेस्ड में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था आपका कैसे बनाएंगे वाटर बेस्ड फ्रेग्रेंस, अल्कोहल वाला हम पहले कवर कर ही चुके हैं, तो अगर और इसमें आपको कोई जानकारी चाहिए हो या कोई डाउट है या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।